हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले नीट में डीपीपी नंबर 15 और हम जनरली 10 एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं इसके लिए। और हर एमसीक्यू के लिए मैं आपको 30 सेकंड दूंगा। इन 30 सेकंड कंप्लीट होने के बाद मैं आपको उसका आंसर भी बताऊंगा और प्लस उसका आंसर को एक्सप्लेन भी करूंगा डिटेल में। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर वन। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शन ए बायलैटरल ग्लैंड, ऑप्शन बी मास्टर ग्लैंड, ऑप्शन सी ट्रॉपिकल ग्लैंड, ऑप्शन डी किंग ग्लैंड। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन गाइस, पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है ये पूछा गया है। Your time of now. Okay. So guys, pituitary gland का दूसरा नाम जो होता है वो होता है pituitary gland is also known as the master gland. ये देखिए। The answer of this question number one is A. Pituitary gland is also known as master gland. अब हम इसे master gland क्यों कहते हैं? Because pituitary gland control all other endocrine glands and that's why we are calling it as a master gland. Pituitary gland हमारे body में जो बाकी endocrine gland है उनके ऊपर नियंत्रण, उनके ऊपर control रखते हैं, तब हम इसे कहते हैं master gland of our body. So guys, हमारा question number first answer है। Question number second की तरफ हम चलते हैं। जो सेक्रोमाइसिस सर्वेसी होते हैं उनको हम कॉमनली क्या कहते हैं, यीस्ट, क्योंकि यीस्ट कहते हैं और इनको हम बेकर्स यीस्ट भी कहते हैं। बेकर्स यीस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अल्कोहलिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं और प्लस बेकरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ये बेकरी वाले प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं जैसे ब्रेड हुआ, इसके लिए हम उसे बेकर्स यीस्ट कहते हैं। और ये सेक्रोमाइसिस सर्वेसी है ये अल्कोहलिक प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपको लग रहा होगा सी, लेकिन इसका आंसर है डी। ऐसा क्यों? ये देखिए, जो सेक्रोमाइसिस सर्वेसी है ये यूकेरोटिक पंजा है। यूकेरोटिक मतलब इनके न्यूक्लियस के सेल के अंदर आपको सेंटर पे न्यूक्लियस ही मिलेगा। और प्लस ये यूनिसेल्युलर पंजा है, ये मल्टी सेल्युलर नहीं होते, एक ही सेल होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो आंसर निकल के आ जाएगा हमारा डी वाला, ऑल ऑफ दिस। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। What is the full form of a EFB? Option A, European Federation of Biology. Option B, European Fundamental of Bioengineering. Option C, European Federation of Biotechnology. Option D, none of them. Chalo, the time starts now. का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपका समय समाप्त होता है यहाँ। तो गाइस, ईएफपी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी।
ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जनरली बायोटेक्नोलॉजी के वर्क के ऊपर रिसर्च करती है? तो आंसर है हमारा यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द स्वेलॉन पोर्शन ऑफ अ पिट्यूटरी ग्लैंड इज। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो सूजन वाला हो, मतलब सूजा वो भाग होता है स्वेलॉन पोर्शन, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रेडकेस पाउच, ऑप्शन बी ग्लोबुलर पाउच, ऑप्शन सी इंट्राग्लैंडुलर पाउच, ऑप्शन डी जायगोटिक पाउच। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त हो जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड अगर हम देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ इस प्रकार से होती है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है और पिट्यूटरी ग्लैंड के दो साइड होते हैं। एक साइड होता है एडिनो हाइपो फिजिस जो 75% होता है, और एक होता है न्यूरो, क्या होता है ये होता है न्यूरो हाइपो फिजिस, ये सिर्फ 25% होता है। तो ये जो 75% होता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है रेड केस पाउच, मतलब ये थोड़ी स्वेलिंग होती है, इसे कहते हैं रेड केस पाउच। तो हमारा आंसर निकल के आता है। चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ओवरी एंड टेस्टिस आर ऑप्शन ए, ओवरी एंड टेस्टिस आर ऑप्शन ए गोनाड, ऑप्शन बी गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, ऑप्शन सी सेक्स हार्मोन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। आपका इसे आगे ऑर्गन कंसिडर करना, सेक्स हार्मोन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो चलिए टाइम स्टार्ट होता है। पूछा गया है कि गोनाड क्या होते हैं, मतलब ओवरी एंड टेस्टिस क्या है, गोनाड क्या होते हैं, ओवरी और टेस्टिस क्या है। तो गाइस मैंने हिंट तो दे ही दी आपको, लेकिन सिर्फ हिंट पे मत जाइएगा, अपनी अकल लगाइएगा। तो गाइस यहाँ पे समय समाप्त हो गया है। तो ये जो ओवरी और टेस्टिस होते हैं इनको हम गोनाड कहते हैं, इनको हम गोनाड कहते हैं, इनको हम गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन भी कहते हैं क्योंकि गैमेट भी प्रोड्यूस करते हैं, और इन ये सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं, तो इनको हम सेक्स हार्मोन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन भी कहते हैं। तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है डी ऑल ऑफ अबव। सो गाइस क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग बैक्टीरियम कैन यूज एज अ बायो फर्टिलाइजर। इन चारों में से कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जिनको हम बायो फर्टिलाइजर के तौर पर यूज कर सकते हैं? ऑप्शन ए यीस्ट, ऑप्शन बी राइजोबियम, ऑप्शन सी प्रोटियस, ऑप्शन डी इकोला। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हम इन चारों में से कौन से ऑर्गेनिज्म को, कौन से बैक्टीरिया को बायो फर्टिलाइजर के तौर पर यूज कर सकते हैं? चलो गाइस टाइम खत्म हो गया आपका। तो ये देखिए, सबसे पहले तो यीस्ट तो कोई बैक्टीरिया है ही नहीं, यीस्ट तो एक फंजा है और इनको हम फर्टिलाइजर के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। प्रोटियस ये तो इन्फेक्शियस बैक्टीरिया है, इकोलाई भी इन्फेक्शियस बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन इकोलाई जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी यूज़ में आते हैं। हमारा आंसर निकल के आ जाता है बी राइजोबियम बैक्टीरिया। अब राइजोबियम बैक्टीरिया क्या काम करते हैं ये देखिए, ये प्लांट है तो प्लांट के जो रूट होते हैं, रूट के ऊपर कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लेग्यूम।
और इसे नोड्यूल भी कहता है, कहते हैं लेग्यूम और नोड्यूल। तो ये जो लेग्यूम और नोड्यूल होते हैं इनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और ये राइजोबियम बैक्टीरिया इनके राइजोबियम बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर एक छोटी सी जीन्स पाई जाती है, जिस जीन को हम कहते हैं क्राइजिन, सॉरी क्राइजिन बीटी बैक्टीरिया में होती है। इसके अंदर जीन्स होती है, वो होती है निफ जीन। निफ का मतलब होता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिक्सिंग, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन। निफ जीन मतलब नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन, एक ऐसी जीन जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट की ऊपर तरफ पहुंचाए और प्लांट की क्या हो, उससे ग्रोथ हो। प्लांट की ग्रोथ करने के लिए नाइट्रोजन लगता है। सो सिंपली ये इसका आंसर हो जाता है बी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गेमेटोजेनेसिस इज ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ऑप्शन बी फॉर्मेशन ऑफ सीड, ऑप्शन सी फॉर्मेशन ऑफ, चलिए फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। क्या है ये? इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। एंड ऑप्शन डी फॉर्मेशन ऑफ सेपल्स। तो आपका समय शुरू होता है अब। गैमेटोजेनेसिस क्या है ये पूछा गया है। तो क्या गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, या तो फॉर्मेशन ऑफ सीड, या तो फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, या तो फॉर्मेशन ऑफ सेपल्स? कम ऑन बताइए क्या होता है गैमेटोजेनेसिस। सो गाइस आपका समय खत्म होने में है, ये खत्म हो गया। तो चलिए देखो, गैमेटोजेनेसिस इसका नाम से ही हमें पता चल रहा है, गैमेट मतलब गैमेट, ठीक है, गैमेटो मतलब गैमेट, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। सो ये देखिए गैमेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो ये जो ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बींग में मेल के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं? स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, और फीमेल के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं? तो फीमेल के अंदर ओवा प्रोड्यूस होते हैं, या तो आप कह लो एग प्रोड्यूस होते हैं। तो मेल के अंदर प्रोसेस होती है स्पर्मेटो जेनेसिस, और फीमेल के अंदर प्रोसेस होती है ओजेनेसिस। तो ये दोनों के दोनों प्रोसेस क्या है? ये दोनों के दोनों गेमेटोजेनेसिस के टाइप है। तो हमारा आंसर है ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द टाइप ऑफ अ टीथ प्रेजेंट इन कॉकरोच? ऑप्शन ए मेंडिबल, ऑप्शन बी मैक्सिला, ऑप्शन सी गिजार्ड, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कॉकरोच के अंदर इनमें से कौन से टीथ पाए जाते हैं? मेंडिबल, मैक्सिला, गिजार्ड, या तो तीनों के टाइप? कम ऑन गाइस, अगर आपको माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच पता हो और डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच पता हो तो आपको ये आंसर एकदम इजी लगेगा। कम ऑन, ये टाइम खत्म हो गया आपका। तो गाइस कॉकरोच के जो माउथ पार्ट्स होते हैं उसमें आप ये देखिए, जो कॉकरोच का जो माउथ पार्ट्स होते हैं, माउथ पार्ट्स में कॉकरोच के माउथ पार्ट्स में जो अपर जो होता है, अपर जो, उसे हम कहते हैं लेब्रम, और जो लोअर जो होता है उसे हम कहते हैं लेबियम। अपर जो लेब्रम, लोअर जो लेबियम, और उसके बाद यहाँ पे जो टीथ होते हैं मैंडिबल्स, मैंडिबल्स, और यहाँ पे भी टीथ होते हैं मैंडिबल्स, और उसके साथ यहाँ पे जो दूसरे टीथ होते हैं उनको हम कहते हैं मैक्सिला, मैक्सिला, और यहाँ पे भी होते हैं वो मैक्सिला। तो ये हो गए, ये भी टीथ हैं, ये भी टीथ अवेलेबल है, ठीक है। और सेंटर पे होता है हाइपो हाइपो फेरिंग्स, मतलब कॉकरोच के टंग को जनरली नाम दिया है हाइपोफेरिंग्स। तो गाइस ये देखिए मेंडिबल और मैक्सिला तो आ गए। अब ये गिजार्ड क्या होता है?
कॉकरोच का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें सबसे पहला पार्ट होता है माउथ पार्ट, उसके बाद आता है फेरिंग्स, उसके बाद आता है यस ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद आता है क्रॉप, ईसोफेगस के बाद आता है क्रॉप, और क्रॉप के बाद एक ऑर्गन आता है जिसे हम कहते हैं गिजार्ड। तो कॉकरोच के गिजार्ड के अंदर 6 नंबर ऑफ काइटिनियस टीथ होते हैं। कितने टीथ होते हैं? 6 नंबर ऑफ काइटिनियस टीथ। तो गाइस हमारा आंसर निकल के आ जाता है, ये देखिए हमारा आंसर के निकल जाता है डी ऑल। तो कॉकरोच में ये सभी के सभी टीथ होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एमएस मीडियम इज यूज इन ऑप्शन ए बैक्टीरियल कल्चर प्रिपरेशन, ऑप्शन बी टिश्यू कल्चर प्रिपरेशन, ऑप्शन सी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी इलिसा टेक्निक। अब मैं आपको एमएस मीडियम का सिर्फ मतलब फुल फॉर्म बता देता हूँ, मतलब नहीं बताता हूँ फिलहाल। एम स्टैंड फॉर मुराशिग एंड एस स्टैंड फॉर स्कूग, एक्स स्टैंड फॉर सॉरी स्कूग। तो मुराशिग और स्कूग मेडियम। अब आपको ये पता लगाना है कि ये जो मेडियम है वो किस चीज में काम में आता है। चलो आपका समय शुरू होता है अब। कम ऑन गाइस, मुराशिग एंड स्कूग मीडियम कहाँ यूज में आता है? ओके गाइस, टाइम समाप्त हो चुका है आपका। सो पहले देखिए, बैक्टीरियल कल्चर प्रिपरेशन मतलब बैक्टीरिया का जो कल्चर मीडियम होता है जिसे हम कहते हैं, बैक्टीरियल कल्चर मीडियम को क्या कहते हैं हम? उसे हम कहते हैं अगार प्लेट। तो अगार प्लेट में न्यूट्रेंट मीडियम यूज होता है और अगार अगार पाउडर यूज होता है, लेकिन उसमें एमएस मीडियम नहीं होता। सेकंड, टिश्यू कल्चर प्रिपरेशन। तो हाँ, हमारा आंसर है टिश्यू कल्चर प्रिपरेशन। टिश्यू कल्चर प्रिपरेशन मतलब क्या? अब मान लो ये एक प्लांट है, आपको इस प्लांट का एक सिंपल सा एक सेल लेके आपको ओरिजिनल प्लांट ऐसा बनाना है। तो आप क्या करोगे, उस सेल को आप एक टेस्ट ट्यूब में ग्रो करोगे और फिर उस टेस्ट ट्यूब को ऐसे ही रख दोगे। तो कुछ समय बाद ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने के बाद आपको ये वाला प्लांट, छोटा सा प्लांट आपको टेस्ट ट्यूब में दिखेगा। तो ये वाली टेक्निक होती है टिश्यू कल्चर। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी उससे रिलेटेड नहीं, ये एंटीबॉडी प्रिपरेशन से रिलेटेड होती है, और इलिसा टेस्ट तो एंटीबॉडी टेस्ट करने के लिए होती है। सो हमारा आंसर निकल के आ जाता है बी टिश्यू कल्चर प्रिपरेशन। चलो क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। एंजाइम यूज इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज, ऑप्शन ए फ्यूमारेस, ऑप्शन बी आइसोमरेस, ऑप्शन सी हेक्सोकाइनेस, ऑप्शन डी ग्लूटेस। मतलब ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में जो सबसे पहली वाली एंजाइम होती है वो कौन सी होती है? चलो आपका समय शुरू होता है अब। ये आंसर निकालना एकदम इजी है अगर आपको ग्लाइकोलिसिस का पाथवे याद होगा तो। ग्लाइकोलिसिस आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी है, आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी है, 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी है स्टेट बोर्ड में। तो गाइस याद रखिए, ग्लाइकोलिसिस की पहली स्टेप कौन सी एंजाइम होती है? सो टाइम अप हो रहा है आपका। चलो टाइम अप हो गया आपका। तो ये देखिए, ग्लाइकोलिसिस में कौन से एंजाइम यूज होती हैं? पहले ये देखिए क्या है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस इसे हम क्या कहते हैं? और इसे हम कहते हैं ई एम बी पाथवे। मैं आपको सब लिख के नहीं बताता हूँ, नहीं तो समझ लीजिए। ई स्टैंड फॉर एम्बेडन, स्टैंड फॉर एम्बेडन, ये साइंटिस्ट का नाम है। एम स्टैंड फॉर मेयर हॉफ एंड सॉरी
ये EMB नहीं होता है, EMP पाथवे होता है। क्या होता है ये? EMP पाथवे होता है, EMP पाथवे। तो ये है P स्टैंड फॉर पर्नस, P स्टैंड फॉर पर्नस। सो EMB स्टैंड फॉर एम्बेडन मेयर ऑफ एन पर्नस, EMB स्टैंड फॉर एम्बेडन मेयर ऑफ एन पर्नस। ये तीन साइंटिस्ट है जिन्होंने ग्लाइकोलिसिस की डिस्कवरी की थी, मैं स्टडी किया होता। तो ग्लाइकोलिसिस ये एक्चुअली 10 स्टेप रिएक्शन है, उसमें सबसे आखिरी में प्रोडक्ट क्या बनता है, सबसे आखिरी में प्रोडक्ट बनता है पायरुवेट, पायरुविक एसिड, या तो आप उसे कह लो पायरुवेट। तो सबसे पहली जो स्टेप होती है उस स्टेप में क्या होता है, ग्लूकोस मॉलिक्यूल, ग्लूकोस ग्लूकोस मॉलिक्यूल अंडरगो फर्स्ट रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोस 6 फॉस्फेट, एंड द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हेक्सो, द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हेक्सो काइनेस। अब ये हेक्सो काइनेस क्यों लगती है, तो ये देखिए ग्लूकोस, ग्लूकोस का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। तो उसमें ग्लूकोज में कार्बन कितने हैं, 6। तो 6 कार्बन को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम लगती है उसे हम कहते हैं हेक्सोकाइनेस। तो हेक्सोकाइनेस ये पहली एंजाइम है जो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करती है, मतलब ये फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस में यूज होती है। तो हमारा आंसर है सी, हेक्सोकाइनेस। ओके गाइस, तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और डेफिनेटली आई होप सो ये जो हमारे सामने घंटी है, तो ये जो घंटी है बेल आइकन दबाना आप नहीं भूलेंगे, बेल आइकन दबा के हमेशा के लिए नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाते रहिए। अगर आपको इस वाली वीडियो की PDF चाहिए तो मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, और जैसे ही आप व्हाट्सएप पे देखते हो सर प्लीज़ सेंड मी द PDF ऑफ DPP 15, तो मैं आपको ये फाइल भेज दूंगा। ओके गाइस, चलो थैंक यू सो मच।